आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम एक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हमने कल की क्लास में बताया था कि एक्सेस के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है टेबल, तीन नहीं चार, टेबल, फॉर्म, क्यूरी एंड रिपोर्ट्स। टेबल के जरिए क्या होता है, डेटा हम टेबल में डेटा स्टोर करते हैं। फॉर्म क्या करता है, डेटा को स्टोर करने या डेटा को इंडिविजुअली देखने में यूज करता है इंटरफेस की तरह। क्यूरी क्या करता है, डेटा में कैलकुलेटेड एंड फिल्टर्ड डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। और रिपोर्ट्स क्या करता है कि जो क्यूरी दिया या रिपोर्ट फॉर्म द्वारा जो भी रिपोर्ट्स हम देखते हैं उसको एक रिपोर्ट फॉर्मेट में बाहर निकालने के लिए काम होता है। ठीक है, तो सबसे मेन इसमें आपका है टेबल, क्योंकि टेबल ही वो चीज है जिसपे आप अपने डेटा को होल्ड करोगे, डेटा को रखोगे। तो चलिए से अपनी कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो हम एक ब्लैंक डेटाबेस यहाँ से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे नाम आप चेंज कर सकते हो और लोकेशन भी आप इस पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट में जाता है, आप अपने हिसाब से इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो और एक्सेस के तीन फॉर्मेट हैं। पहला फॉर्मेट है आपका 2000 to 2003 का फॉर्मेट, दूसरा है 2000 का फॉर्मेट और तीसरा है 2007 to 2016 का फॉर्मेट। तो ज्यादातर हम इसी फॉर्मेट को यूज करते हैं। उसके बाद आप अपना क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद आपका एक ब्लैंक डेटाबेस जो कि स्टोर होके सेव हो चुका है, इसको सेव करने की जरूरत नहीं होती, सेव फर्स्ट टाइम ही हो जाता है, बाद में सेव करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप सेव होता जाता है। बाय डिफॉल्ट आपको एक टेबल दिख जाएगा। तो डेटा एंट्री करने के लिए टेबल का जरूरी होना जरूरी है। हाँ, अगर आप डेटा एक्सेल पी एक्ट ही है तो इसको अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे एक्सटर्नल डेटा में, तो आपके पास हाँ न्यू सोर्सेस में फ्रॉम फाइल में फ्रॉम एक्सेल दिख गया, तो आप एक्सेल के डेटा को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिया एक डेटा, इंपोर्ट के भी तीन तरीके हैं। इंपोर्ट इसे जस्ट कॉपी पेस्ट करना है नए टेबल में, या पुराने किसी टेबल में नीचे जाए कॉपी करना है, या फिर सिर्फ लिंक क्रिएट करना है कि भाई जैसा एक्सेल में हो ऐसा यहाँ शो करो, एक्सेल चेंज हो तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। इसके बारे में हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ मैं नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। ये आपका डेटा नाम का टेबल आ गया। तो एक्सेल से डेटा उठ के यहाँ एक्सेस में आपके सामने आ गया। तो जो एक्सेल की चीजें थी ये पूरा यहाँ पे उठ के आ गया। एक तो डेटा एक्सेल से या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आप लोड करवा सकते हो, या फिर आप खुद डेटा एंट्री करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक्सेल इसका ऐसा नहीं है, एक्सेल का ऐसा नहीं कहीं कुछ एंट्री कर दिए, पहले आपको यहाँ पे टेबल का फील्ड क्रिएट करना होगा। ओके जैसे कि मैं यहाँ पे अभी फील्ड क्रिएट करते समय आपको चूज करना पड़ेगा इसके अंदर किस तरह का डेटा होगा। मैं शॉर्ट टेक्स्ट लिया और फील्ड के जगह पे मैं कर देता हूँ नेम, सी नेम। नेम रिजर्व वर्ड है तो डाल सकते हैं कि आगे चलकर दिक्कत होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिटी, अब यहाँ पे नंबर लेके अमाउंट, ठीक है। अब मैं इस पे अपनी डेटा एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन टेबल अभी सेव नहीं है। टेबल कब सेव होगा, हम टेबल को एक बार क्लोज करेंगे तो आपसे पूछेगा टेबल का नाम और आप उसको यस कर दीजिए। तो ये आपका टेबल 1 दिख गया। अब इसमें आप अपने डेटा एंट्री कर सकते हैं जैसे आप एक्सेल में एंट्री करते हो। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि पूजा दैली और हमने यहाँ पे अमाउंट, इस तरह से ओम और ऐसे आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए एक चीज और याद रखिएगा कि जब आप टेबल बनाते हैं तो पहले आप डिसाइड करें, क्योंकि एक बार टेबल में आपने डेटा एंट्री कर दी तो फिर उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब चेंज मतलब डेटा चेंज हो सकता है उसकी फील्ड की प्रॉपर्टी, समझे। नेम सर।
नेम है, फील्ड नेम ही चेंज कर सकते हो आसानी से। इसकी प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए कि नंबर था, मुझे सिटी जो था, मुझे आप मान लीजिए फील्ड नेम आपने चेंज कर दिया, इसमें डाल दिया आपने कमीज। अब इसमें जो है अब आपको डेसिमल में आगे एंट्री करना है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसकी जो प्रॉपर्टी में इसका जो इसमें तो हमें टैक्स की प्रॉपर्टी सेट कर सकती रखी थी ना सर, इसको परसेंटेज या नंबर करना मुश्किल होता है। ओके, इसलिए चीज का ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। तो पहले आप डिसाइड करें कि आपको टेबल किस तरह से बनाना है, क्या क्या फील्ड चाहिए, किस फील्ड में किस तरह की डेटा होगी, उस पर क्या वैलिडेशन होगा वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पे जाए क्रिएट में डिजाइन टेबल, और यहाँ आपके सामने लिस्ट आ गया। तो यहाँ पे एक हमारा ये दिख रहा है आपको, तो एक हमने बोला सीरियल नंबर, और याद रखिएगा डॉट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करता है सिस्टम, और अगर आप स्पेस देते हैं तो स्पेस को अवॉइड करें, स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर लगा देगा, आगे चल के डेटा कनेक्टिविटी रिलेशनशिप वगैरह में आपको दिक्कत होगा। यहाँ डेटा टाइप में मैंने यहाँ पे ऑटो नंबर, ऑटो नंबर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो जनरेट करता रहेगा 1 2 3 4 5 6। उसके बाद अगर मैं यहाँ नेम लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने नेम लिख दिया तो नेम लिखते ही जैसे आप टाइप यहाँ पे बोलेगा कि द नेम योर सप्लाइड इज रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड हैव ए स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस इंजन, इफ यू आर रिजर्व वर्ड देन यू रिसीव एन एरर व्हेन द रेफरिंग टू दिस फील्ड। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड को रिजर्व रखा है डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, अगर इसको आप यूज करते हो तो अगर आप डिफरेंट किसी और सिस्टम के किसी और फील्ड के साथ इसको रेफर करोगे या रिलेशन करोगे उसमें दिक्कत हो सकती है, एरर आ सकता है, तो फिर भी आपको रखना है तो ओके कीजिए, अदरवाइज इसको चेंज कर दीजिए। आप ये नहीं कहता है कि आप रिजर्व वर्ड नहीं रख सकते, बट रिजर्व वर्ड आप रख सकते हैं लेकिन दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया, आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो शॉर्ट टेक्स्ट में क्या है कि आप 255 करेक्टर से ज्यादा नहीं टाइप कर सकते। ओके सर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी जो दिक्कत है ये आप दूर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने एड्रेस दे दिया, में अब मैं शॉर्ट टेक्स्ट लूंगा तो 255 करेक्टर देगा, लेकिन एड्रेस में तो बड़े बड़े करेक्टर हो सकते हैं ना, इसको सिलेक्ट कर ले। उसके बाद लॉन्ग टेक्स्ट पे मोबाइल नंबर देता हूँ, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में अगर मैं लॉन्ग इसमें लॉन्ग टेक्स्ट की नंबर यूज करोगे, लेकिन नंबर यूज करने की जरूरत नहीं है कि नंबर हम वहां पे यूज करते जो नॉन कैलकुलेटिव जो कैलकुलेटिव फील्ड होती है उसमें नंबर यूज करते हैं, और नॉन कैलकुलेटिव फील्ड के लिए चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो हम टेक्स्ट ही लेना पसंद करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट दोनों एक्सेप्ट कर लेगा ना नंबर, हाँ हाँ, बट नॉन कैलकुलेटिव कैलकुलेशन जिसमें नहीं होना है। और यहाँ पे फील्ड की साइज सर, ये शॉर्ट टेक्स्ट में जो नंबर होंगे उस पे कैलकुलेशन नहीं होगा, नहीं, हाँ नॉन कैलकुलेटिव डेटा स्टोर होता है टेक्स्ट पे, ठीक है सर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फील्ड की साइज 10 कर दी क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। और यहाँ दिख रहा है वैलिडेशन, यहाँ पे वैलिडेशन में फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि लेन इक्वल देने की जरूरत नहीं, लेन ब्रैकेट में हमने दे दिया मोबाइल इक्वल टू 10, मतलब आप 10 डिजिट से कम अगर एंट्री करते हैं तो हमने डाल दिया, मार्क कीजिएगा हमें डालना था डिफॉल्ट वैल्यू में आ गया था, वैलिडेशन रूल में करना, ठीक है। अगर ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है, तो इस तरह की वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं। वैलिडेशन पे आगे हम आपको पूरी तरह से बढ़ाएंगे, फिलहाल आप
बस जान लीजिए कि हम वेरिएशन लगा सकते हैं कि भाई इससे ज़्यादा इंट्री नहीं हुए, जैसे डेटा वेरिएशन हमारे एक्सेल में होते थे। उसके बाद मैं सिटी दे दिया। अब सिटी में मैं, मेरी कंपनी 5 सिटी में वर्क करती है, तो मैं इसका लिस्ट चाहता हूँ। तो यहाँ डेटा टाइप में मैं लुकअप बिजार्ड को सिलेक्ट कर लूंगा। लुकअप बिजार्ड, इसमें जाता हूँ टाइप, नेक्स्ट नेक्स्ट, तो यहाँ पे बैक कर दो। हाँ यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए कि मेरी कंपनी दिल्ली में टाइप करती है, सही मतलब लिस्ट बन जाएगी तरह से ना। हाँ, पुणे में करती है, नोएडा में करती है, गुड़गांव में करती है, लिस्ट हो जाएगी। सर सिटी भी रिजर्व कीवर्ड है क्या सर? क्या सिटी है जो रिजर्व रिजर्व कीवर्ड तो नहीं है ना सर सिटी वाला? नहीं, ठीक है सर, चेंज हो गया था गलती से। उस तरह से अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी दे दिया, क्वांटिटी हमारा नंबर है, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने एमआरपी दे दिया, अब एमआरपी भी हमारा नंबर है। अब मैं यहाँ पे अमाउंट देना चाहता हूँ, तो अमाउंट भी हमारा नंबर है, बट मैं चाहता हूँ कि अमाउंट जो है अमाउंट जो है हमारा वो कैलकुलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने कैलकुलेटेड आता है, कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं, आपसे फॉर्मूला पूछता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे सकता हूँ कि भाई इसमें मैं कोई डेटा एंट्री नहीं करूंगा, एक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देगा एमआरपी से, ठीक है? ठीक है सर। तो इस तरह की कैलकुलेशन हम लगा सकते हैं। और इसका कीजिए, और यहाँ पे डीटी के नाम से मैं सेव कर देता हूँ फाइल को। अब जैसे डीटी पे हम आते हैं, अब यहाँ पे देखिए नेम मैंने डाल दिया पूजा, एड्रेस मैंने अपना हिसाब से जो एड्रेस देना है दे देता हूँ, मोबाइल नंबर में अगर मैं एक डिजिट करेगा, ठीक है, ठीक है सर, 8802579388। अब एक्सेप्ट कर लिया। सिटी की, सिटी का लिस्ट दिख गया आपको, और यहाँ पे आप जो है अमाउंट अगर डालते हैं 500 और क्वांटिटी 500 और 60 रुपीज के हिसाब से है, तो ये अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, ठीक है सर? ओके सर। ये आप इसमें आप कुछ टाइप नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेटिव डेटा है, इसमें अगर टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर लिस्ट में नहीं होगा, इसमें जो होगा टाइप कर सकते हैं, आपका लिस्ट से लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमने अभी सी डाला और एंट्री दे लिया था, जब मान लीजिए मैं ई डालता हूँ तो ए एंट्री एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमने सेटिंग में नहीं दिया हुआ कि लिस्ट से ही लेना है, खुद टाइप नहीं करना है, वो लिस्ट में जाके हमको डालना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपकी टेबल क्रिएशन होगी। तो टेबल क्रिएशन का बेसिक कंसेप्ट मैंने अभी आपको बता दिया है, आप इसको अपने सिस्टम पे परफॉर्म कीजिए, ठीक है?